हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो हमारी नेमराज सुंडा ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, इस बुक के कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ये सबसे न्यू एडिशन है। सबसे पहली बात तो ये है, और इसमें कुछ यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि पहली यूनिट है एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, दूसरी है जनरल एग्रीकल्चर, तीसरी है एग्रोनॉमी, चौथी यूनिट है सॉइल साइंस, पाँचवीं हॉर्टिकल्चर, देन एंटमोलॉजी, सातवीं यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, एनिमल प्रोडक्शन, इसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो जो लास्ट की दो यूनिट्स हैं वो इसी साल इंक्लूड की गई हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कम से कम 10-15-20-25 डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं, और कई कई एग्ज़ाम तो ऐसे जिसमें से 70-80% तक क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड एगर से बना है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टिवेशन। तो एग्रीकल्चर क्या है, कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। तो कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है कौन से वर्ड से बना है। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड से बना है। इसके बाद एग्रोनॉमी, तो देखो जिन भी शब्द के लास्ट में लॉजी या वाई लगे उन शब्द में क्या होता है, हमेशा कौन सा ग्रीक वर्ड होता है मेनली। ठीक है, बट एक इसका अपवाद है अपना पोमोलॉजी, वो क्या है, लैटिन और ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उसको आप याद रखना अपवाद के स्वरूप। तो ये होगा अपना एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की अगर आप परिभाषा देखें तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करके हम मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए जितने सारे कार्य अपन करते हैं सम्मिलित रूप से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद अगर देखें एग्रोनॉमी क्या है, तो देखो एग्रोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से बनी है, एग्रोस प्लस नॉमस। तो एग्रोस मतलब होता है फील्ड, और नॉमस मतलब क्या होता है, मैनेज करना। तो एग्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, फील्ड और सॉइल को मैनेज करते हैं। ठीक है, जिसमें सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। हॉर्टिस कल्चर एक लैटिन वर्ड है, ये हॉर्टस से बना है, हॉर्टस मतलब होता है गार्डन, कल्चरा मीन्स क्या होता है, वही कल्टीवेशन करना किसी को या ग्रो करना किसी ग्रुप को। इसके बाद पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी क्या होता है, लैटिन और ग्रीक वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें लैटिन वर्ड कौन सा है, पोमम, जिसका मतलब होता है फ्रूट्स, और ग्रीक वर्ड है लोगस, जिसका मतलब क्या होता है, डिस्कर्टर या स्टडी करना। इसके बाद ओलेरिकल्चर एक लैटिन वर्ड से बना है, ओलेरिस, जिसका मतलब होता है पॉट, हर्ब, एंड इंग्लिश वर्ड क्या है, कल्चरा, जिसका मतलब क्या होता है, कल्टिवेशन। इसके बाद फ्लोरिकल्चर अगर देखें हम, तो फ्लोरी एक लैटिन वर्ड है, फ्लोरिकल्चर, जो फ्लोरिश शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है फ्लावर, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्लावर्स के कल्टिवेशन से संबंधित काम करते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन, तो ये भी एक लैटिन वर्ड है, एक्स प्लस टेंशियो से बना है ये शब्द, एक्स मतलब होता है आउट और टेंशियो मतलब होता है स्ट्रेचिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेच आउट। देन सॉइल वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो कि सोलम से बना है, सोलम का मतलब क्या होता है, ग्राउंड, या जो अर्थ का जो सरफेस है उसका जो फ्लोर, या जिसको अपन अर्थ सरफेस बोल रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, अपन सॉइल बोलते हैं। मानसून एक अरेबिक वर्ड है जो मौसम से बना है, इसका मतलब होता है सीजन, या जो सीजनल जो विंड्स होती हैं उसको अपन मानसून भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब होता है बायोडायनेमिक्स, तो बायोडायनेमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो बना है बायोस, बायो का मतलब हमेशा ही लाइफ होता है, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, एनर्जी। इसके बाद है ट्रक गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग एक फ्रेंच वर्ड ट्रक, जिसका मतलब होता है ट्रकर, जिसका मतलब होता है टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ट्रक गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, कि एक्सचेंज ऑफ गुड। इसके बाद नेमेटोड मतलब एक ये ग्रीक वर्ड है, नीमा मतलब होता है थ्रेड, मतलब धागानुमा, और टॉइड मतलब क्या होता है, फॉर्म, तो धागेनुमा संरचना को हम बोलते हैं नेमेटोड। इसके बाद पैडोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, पैडोन से बना है, पैडोन का मतलब होता है सॉइल या अर्थ। और इसके बाद है मार्केट, तो मार्केट एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है मार्केटस, इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेस जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक और मर्चेंडाइज। इसके बाद है एवोल्यूशंस, एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, ये लैटिन वर्ड एवोल्यूशंस बना है, जिसका मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। ठीक है, एवोल्यूशन होना मतलब किसी चीज़ का। इसके बाद एंजाइम एक ग्रीक वर्ड से बना है, एन मतलब होता है इन, और जाइम मतलब क्या होता है, फर्मेंट लिविंग। ठीक है, और एंजाइम। इसके बाद है क्रेडिट लैटिन वर्ड से बना है, क्रीडो, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। इसके बाद है सोसाइटी, तो ये एक लैटिन वर्ड सोसाइट से बना है, जिसका मतलब होता है विच, बाज अ डिराइव्ड फ्रॉम नाउन सोसियस मीनिंग द कॉमरेड फ्रेंडली। इसके बाद होता है वल्गराइजेशन, तो वल्गराइजेशन एक फ्रेंच वर्ड है जो बना है वल्गराइज से, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को पॉपुलराइज करना। देन कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि सेल, तो सेल एक लैटिन वर्ड है, सेला से बना है, जो
इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिंग, ए स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. तो मतलब कोई एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके छोटे छोटे ग्रुप्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं. इन वीवो और इन विट्रो. इन वीवो मतलब क्या है कि जो लिविंग कोई भी टिश्यूज़ वगैरह है सेल है उसके अंदर, और इन विट्रो मतलब क्या होगा विथ इन द ग्लास, मतलब क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर नॉन लिविंग में. इसके बाद जो प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिड एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकास से बना है जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड और माउल्डेड. इसके बाद इकोलॉजी, तो इकोलॉजी वाइकोस से बना है, ग्रीक वर्ड है ये भी, और जिसका मतलब होता है हाउस डिवलिंग प्लेस, एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी या डिस्कशन. इसके बाद एंटेमोलॉजी, तो एंटेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से बना है एंटेमोन जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, और जिसका मतलब है कट इनटू सेक्शंस, ठीक है. और लॉगस का मतलब क्या होता है डिस्कर्जन मतलब स्टडी करना. ऑर्थोपॉड्स का मतलब क्या होता है ऑर्थोस, ऑर्थोस मतलब होता है सेगमेंटेड, एंड पोडास मतलब होता है लेग्स, तो जिसके सेगमेंटेड लेग्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्थोपोडा. इसके बाद होता है फाइटोपैथोलॉजी, फाइटो मतलब होता है प्लांट, हर जगह जहाँ पर फाइटो लग जाए उस जगह प्लांट. पैथो मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे उसको पैथोस बोलते हैं. और लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है फाइटोन मतलब प्लांट, पैथोस मतलब एलिमेंट्स, और लोगस मतलब क्या होता है नॉलेज. इसके बाद फंगीसाइड, तो ये दो प्रकार के होते हैं. देखो आप एक फंगीसाइड सुनोगे और एक फंगीस्टेटिक. तो फंगीसाइड क्या होता है किसी फंगस को जो किल करे उसे बोलते हैं फंगीसाइड. जैसे एरेकीसाइड क्या करता है माइट्स को किल करता है, ठीक है. इसके बाद बैक्टीरिया साइड बैक्टीरिया को किल करता है, नेमेटीसाइड नेमेटोड्स को किल करता है. तो जिसमें साइड लग जाए, साइड मतलब होता है किसी भी चीज़ को किल करना. और स्टैटिक मतलब होता है क्या होता है किसी की ग्रोथ को रोकना, जैसे फंगी स्टैटिक बैक्टीरिया स्टैटिक, तो ये क्या करता है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है. इसके बाद मेटेरोलॉजी, तो ये ग्रीक वर्ड मेटेरोस से बना जिसका मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस एटमोसफेयर, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है इंडिकेटिंग साइंस. अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार हिस्ट्री से, जैसे हिस्ट्रिकल मूवमेंट कैसे कृषि की उत्पत्ति हुई एवोल्यूशंस मतलब देखें तो करीब 70 बिलियन साल पहले ईयरलेस्ट प्राइमेट्स देखने को मिले, एंड इसके बाद 40 मिलियन साल पहले जो मंकीज़ और एप्स इनका उत्पत्ति हुई. इसके बाद 1.5 मिलियन पहले फर्स्ट ट्रू मैन जिसे हम बोलते हैं होमो इरेक्टस इमर्ज इन द इंडोनेशियंस एंड अफ्रीकाज, तो ये जो फर्स्ट ट्रू मैन था होमो इरेक्टस वो इंडोनेशियास और अफ्रीका के क्षेत्रों में उसकी उत्पत्ति हुई. और 1 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस पूरे वर्ल्ड में फैल गए फ्रॉम, ठीक है. और 0.8 मिलियन के टाइम पे होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजंस, और 0.5 मिलियन ईयर के टाइम पे अगर देखें तो होमो इरेक्टस पेकेंसिस लर्नड यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ फायर. तो जो 0.5 मिलियन ईयर्स के टाइम पे जो अपने होमो इरेक्टस पेकेंसिस थे इन्होंने क्या किया कि जो आग का कैसे यूज़ करें और उसको कैसे नियंत्रित करें इसके बारे में उन्होंने सीख लिया. इसके बाद 0.4 मिलियन ईयर्स पहले मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस, 0.4 मिलियन ईयर एगो पहले जो मनुष्य थे उन्होंने शेल्टर्स बनाना स्टार्ट किया रहने के लिए. इसके बाद 32,000 साल पहले क्रो मैग्नन मैंस आए होमो सेपियंस सेपियंस इमर्ज इन और यूरोप में इमर्ज हुए. इसके बाद 10,000 साल पहले मनुष्य ने डॉग को सबसे पहले हंटिंग के लिए प्रयोग किया शिकार के लिए ईरान और इसराइल के क्षेत्र में. 8,700 के टाइम पे डोमेस्टिकेशन हुआ सिप का, और 7,700 के टाइम पे डोमेस्टिकेशन हुआ गॉट का. तो फर्स्ट एनिमल कौन सा है जिसका मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन किया है, तो वो है अपना डॉग, फिर इसके बाद शिप, और फिर अपना गॉट. तो इसको आपको तीनों को इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसके बाद आता है 7,500 BC के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट हुआ जिसमें वीट और बार्ले का स्टार्ट किया गया था. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 7,500 BC के टाइम पे स्टार्ट हुआ और इसमें वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है. इसके बाद 6,000 BC के टाइम पर डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिक्स स्टार्ट हुआ. इसके बाद 4,400 BC के टाइम पर कल्टीवेशन ऑफ मेज हुआ, फिर 4,000 के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ राइस, एंड 3,500 के टाइम पे कल्टीवेशन हुआ पोटैटो का स्टार्ट. 3,400 के बीच में पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील वाज इन्वेंटेड, एंड 3,000 BC के टाइम पे ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स. तो पहली धातु ब्रॉन्ज थी, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस, तो कौन सी थी वो ब्रॉन्ज थी, तांबा जिसको बोलते अपन. और 2900 के टाइम पे प्लाउ वाज इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुई 2900 के टाइम पे ही. 2700 के टाइम पे डोमेस्टिकेशन हुआ सिल्क मॉथ का चाइना में, ठीक है. इसके बाद 2300 के टाइम पे कल्टीवेशन हुआ चिक पीस का, पियर, सरसों और कॉटन का. 2200 BC के टाइम पे डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल बफेलो एंड एलिफेंट, एंड 1800 BC के टाइम पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ फिंगर मिलेट जिसको हम रागी बोलते हैं. इसके बाद 1725 में सोरगम का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ. 1500 BC के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ सुगर कैन और इरीगेशन वेल्स के थ्रू स्टार्ट हुआ. इसके बाद 1400 BC के टाइम पे
मिडिल ईस्ट में आयरन को एज अ मेटल की तरह यूज़ किया गया, और 1000 से लेकर 600 BC के टाइम पे इसे आयरन का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ आयरन। आयरन प्लाउ शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड, क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट पंजाब में, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में 543 से लेकर 491 BC के टाइम पर। रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशंस इन कोलावग्गा एंड महावग्गा एंड बुद्धिस्ट लिटरेट इन पाली जो लैंग्वेज है उसमें देखने को मिला इसके जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उनमें। और 760 AD से लेके 800 AD के टाइम पे पर्सियन व्हील यूज्ड अर्घटा इंडिया। इसके बाद 900 से लेके 1000 AD मतलब जो अभी वाला जो चल रहा सन उसके हिसाब से देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिकुटस एंड टैंक्स, जो कृषि पराशर थी सबसे पहली बुक अपन मान सकते हैं, कृषि पराशर, वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद पैथोलॉजी की सबसे पहली बुक है जिसमें पैथोलॉजीज के बारे में अपने लिए जानकारी मिलती है, जिसको सर्पिला ने लिखा था। इसके बाद मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चरल बॉटनी रिटर्न, ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चरल वाज प्रिपेयर्ड बाय द कश्यप बाय द नेम एज अ कृषि शुक्ति। तो ये कश्यप ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम था कृषि शुक्ति करके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 900 से लेके 1000 AD के टाइम पे लिखी गई। इसके बाद 15वीं शताब्दी में कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, साउर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजलो, पॉमग्रेनेट स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो 16वीं शताब्दी थी इसमें बहुत सारी क्रॉप्स का भारत में इंट्रोडक्शन हुआ, जो पुर्तगीज़ वगैरह थे, पुर्तगाली लोग थे, उनके द्वारा जो विभिन्न आक्रमणकारी थे इसके द्वारा जो विभिन्न क्रॉप्स को न्यू वर्ल्ड से इधर लाया गया, ठीक है। तो 16वीं सेंचुरी के टाइम पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाय पुर्तगीज, दे आर द पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरो रूट, कैजाफ, टोमेटो, चिलीज, पम्पकिन, पपाया, पाइन एप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंड नट, कैजाफ नट एंड टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर, ये सब ये लेके अपने साथ आए थे। इसके बाद 1550 AD में पुर्तगीज़ ने ग्राफ्टिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस की हॉर्टिकल्चर में, जिसके सहायता से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। 1795 AD में फ्लोरा इंडिया पब्लिश किया गया, ठीक है। एंड लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट द पूसा टू ब्रीड हॉर्सेस। तो जो विलियम फ्रेजर थे उन्होंने जो पूसा बिहार पे एक फार्म स्टार्ट किया हॉर्सेस में ब्रीड करने के लिए। इसके बाद 1820 के टाइम पे G.L. ब्ला ने कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनाल। तो वो जो वेस्टर्न जमुना कैनाल किसने स्टार्ट की थी, तो वो J.L. ब्ला ने कंस्ट्रक्ट की थी, उसका निर्माण करवाया था। और इसके बाद अगर देखें तो 1824 AD के टाइम पे जनरल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर वाज अ पब्लिस्ट वेयर पब्लिस्ड एंड 1845 के टाइम पे आयरिस फेमांस आई लेट ब्लाइट के कारण, जिसे हम क्या बोलते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण आई ये। और करीब 1861 के टाइम पे जो एंटोन डी वेरी थे उन्होंने ये बताया कि जो अपना जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण हो रही है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका, इसी कारण हम एंटोन जो डी वेरी है उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से। और 1865 में अगर हम देखें तो AD में तो फेमाइंस बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में आई। इसके बाद 1868 से लेके 1869 में बहुत ज़्यादा फेमाइंस देखने को मिली। इसी के चलते 1871 में एक जॉइंट डिपार्टमेंट बनाया गया, जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, जैसे बोलते हैं हम DARC। तो ये पहला एग्रीकल्चर से संबंधित डिपार्टमेंट था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1871 के टाइम पे। इसके बाद अगर देखें हम 1874 में, तो 1874 में बिहार के क्षेत्र में बहुत बड़ी फेमाइंस ज़्यादा समय में आई। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया पुणे में, महाराष्ट्र। और इसके बाद 1876 में जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी इनमें फेमाइंस आई। 1877 में पंजाब सेंट्रल प्रोविंसेस में फेमाइंस आई। इसी के चलते क्या किया गया कि सरकार को इस ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा कि अब इतनी ज़्यादा फेमाइंस आ रही हैं, तो इसके कारण 1880 के टाइम पे एक फेमाइन कमीशंस को अपॉइंटमेंट किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद 1882 में वेटरनरी कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया लाहौर में, जो कि भारत के विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में है। और इसके बाद 1891 में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया इसमें, वैसे जो 1881 में जो अपना डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। और 1891 में क्या किया गया कि जो डॉक्टर J.A. वॉलकर्स रिपोर्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो जो वॉलकर्स ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की 1891 में, इन्होंने बताया कि इम्प्रूवमेंट इंडियन एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के सापेक्ष में इनकी रिपोर्ट थी। इसके बाद 1899 से लेके 1900 के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमाइंस आई, जिसे हम क्या बोलते हैं जापानिया काल के तौर पे जानते हैं। इसके बाद 1901 से लेके
1905 तक बहुत ज़्यादा कॉलेज, करीब 6 कॉलेजेस खुले गए एग्रीकल्चरल कॉलेज, जैसे पुणे, कानपुर, श्योबुर, नागपुर, ललालपुर एंड कोयम्बटूर, जिसमें से जो अपना ललालपुर है ये कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है और बाकी पूरे इंडिया में, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो 1906 में FRI जो देहरादून है, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, तो इसकी स्थापना की गई और ये फॉरेस्ट से रिलेटेड जो जर्म प्लांट कंजर्वेशन के काम की ये करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1901 में फर्स्ट इरीगेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई, 1901 में फर्स्ट एंटमोलॉजिस्ट नीची वेले इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद 1903 में मॉडल विलेज, जिसे हम रूरल रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, इसको भी लॉन्च किया गया डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। इसके बाद 1903 में HM लेफ्री अपॉइंटेड हुए सेकेंड एंटमोलॉजिस्ट के तौर पर। 1905 में इस्टेब्लिश हुआ अपना जिसको हम IRI के नाम से जानते हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, पूसा बिहार में इस्टेब्लिश हुआ। बट 1934 में क्या हुई, बहुत ज़्यादा बड़ा भूकंप आ गया जिससे कि उसकी पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई और उसको 1936 के टाइम पर नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। 1919 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड एज एग्रीकल्चर एज अ स्टेट सब्जेक्ट। 1919 में संवैधानिक परिवर्तन हुए जिसके में ये बताया गया कि अब जो एग्रीकल्चर का जो सब्जेक्ट है ये सेंट्रल से स्टेट के उसमें आ जाएगा नियंत्रण में, तो ये राज्य सूची में जोड़ दिया गया। इसके बाद 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रियाने ने स्टार्ट किया। 1921 में जो श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया। 1921 में ही मारथंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हेच ने स्टार्ट किया। 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी ने, आदर्श सेवा संघ पोहरी बाय और कोल सिथोले, ये स्टार्ट हुए 1921 के टाइम पर, ठीक है। इसके बाद 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना की गई, तो ये पहली किसी कमोडिटीज से रिलेटेड वो था, सबसे पहले वो कमेटी थी, तो ये कौन सी थी अपनी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी ICCC, तो ये 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, एक से दो क्वेश्चंस डेफिनेटली हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद 1926 के टाइम पे अपॉइंटमेंट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर RCA हेडेड बाय द लॉर्ड लिनलिथगो, उस टाइम पे जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उनकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन बनाई गई, ठीक है, RCA के नाम से हम जिसको जानते हैं। इसने 1928 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही 1929 में एक काउंसिल का निर्माण किया गया जिसका नाम था इंडियन, उस टाइम पे इम्पीरियल था, उसको चेंज करके 1946 में कर दिया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR। तो 1929 में ICR की स्थापना की गई जिसको 1946 में जिसका नाम चेंज करके इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया, ठीक है। और 1931 में लैक कमेटी की स्थापना हुई, इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी। 1936 में अपनी जूट कमेटी बनी। 1940 में जो एक पत्रिका निकलती है इंडियन फार्मिंग करके, उसका प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये ICR के द्वारा निकलती है, मंथली मैगजीन है, ICR के द्वारा निकलती है ये। और 1942 में एक डिपार्टमेंट ऑफ फूड की स्थापना की गई, क्रिएट किया गया। 1942 में ग्रो मोर फूड कंपेनियन स्टार्ट किया गया, ये फेल्ड हो गया, इसके कारण इसको डबल से 1947 में स्टार्ट किया गया। 1943 में अक्यूरेंस ऑफ ग्रेट बंगाल फेमाइन, जो अपन बोलते हैं कि ग्रेट बंगाल फेमाइन आई बिहार में, तो ये हेलमेंतसपुर के मोराइजा के कारण आई थी, ठीक है। और इसके बाद 1944 में शुगर कैन कमेटी आई, 45 में कोकोनट कमेटी आई, 45 में ही टोबैको कमेटी आई। 1945 में इंडियन विलेज सर्विसेज इस्टेब्लिश की गई, AT मोशर न्यूयॉर्क एंड BN गुप्ता के द्वारा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको BN गुप्ता अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन्होंने इंडियन विलेज सर्विसेज इस्टेब्लिश की गुप्ता और मोशर ने। इसके बाद 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQ&S इस्टेब्लिश किया गया, फरीदाबाद में है। ये क्या करता है कि जो अगर हमारे लिए कंजप्शन वगैरह के लिए अगर कोई फूड मंगाना है दूसरे देशों से, उसको आयात करने में मदद करता है, और जो बल्क में अगर निर्यात करना है तो उसमें भी मदद करता है। और ये मेनली प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन और स्टोरेज से संबंधित है, ठीक है। 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक की स्थापना हुई। इसके बाद 1946-47 में फ्रिगर डेवलपमेंट स्टार्ट चालू किया गया टी प्रकाशन एंड टी थारूगढ़ द्वारा। इसके बाद 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड
कमिटीज़ स्टार्ट की गई। इसके बाद जनवरी 1948 को GATT स्टार्ट किया गया, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के काम में आता है, विभिन्न देशों के बीच में जो ट्रेड को रेगुलेट कैसे करें, तो उससे संबंधित था ये, ठीक है। इसके बाद 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इसको अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था। इसके बाद 1949 में एरिकानट कमेटी बनाई गई। इसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम CDP के तौर पे भी जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया। और 2 अक्टूबर 1953 को ही नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज NES का प्रारंभ किया गया। 1956 में प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिलेट्स, जिसको हम APIRCOM के नाम पे जानते हैं, उसको स्टार्ट किया गया। 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, जिससे सफलतापूर्वक सबसे पहले रॉक फॉलर फाउंडेशंस और फॉर्ड फाउंडेशंस की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था, और इससे भारत में जो मेज में हेट्रोसिस थी उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे बहुत ज़्यादा सफलता मिली। और आज जितने हाइब्रिड सीड्स अवेलेबल हैं, तो ये इन्हीं प्रोग्राम्स की बदौलत हैं, ठीक है। तो 1961 में इसकी सफलता प्राप्त हुई और इससे 4 जो हाइब्रिड्स रिलीज़ किए गए, ठीक है, गंगा, दक्कन, रंजीत वगैरह ये। इसके बाद 1958 में जो अपना IRI था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, जो अपना UGC एक्ट है 1956 के अंतर्गत। इसके बाद 1958 में स्पाइसेस एंड चेस्टनट कमेटी की स्थापना की गई। अक्टूबर 1958 को NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की गई। और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। 3-tier सिस्टम्स रिकमेंडेशंस दी गई बलवंत राय मेहता द्वारा, इनॉग्रेटेड किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर में इसकी स्थापना की गई, जो कि उस समय पे USA में हुआ करता था, ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA। तो इसकी जो इंडो इंग्लियन जो कमिटीज़ थी, उनके रिकमेंडेशंस पे इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसे हम IADP भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट किया गया, इसको पैकेज प्रोग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बाद 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसे हम NSC के तौर पर जानते हैं, नई दिल्ली में ये है, ठीक है। इसके बाद 1964 में इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और 1965 में नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1965 में नीलूखेड़ी प्रोजेक्ट, जिसे मजदूर मंजिल बाय श्री SK Day के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। इसके बाद 1965 में फर्स्ट DG जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR होते हैं, उनको पोस्ट स्टार्ट की गई, जिसको सबसे पहले कौन से थे, अपने BP Pal थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR कौन थे, डॉक्टर BP Pal। इसके बाद 1965 में एक्रिप स्टार्टेड ऑन अदर क्रॉप्स एज वेल एज अदर एरियाज ऑफ रिसर्च। तो 1965 में बहुत अलग अलग उनके क्रॉप्स में एक्रिप्स को स्टार्ट किया गया, और अलग अलग जो रिसर्च वर्क थे, जैसे कि एक्सटेंशन वगैरह हुआ, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट वगैरह हुआ, इन सब में भी इस्टेब्लिश किए गए इनको। और 1966 में इनिशिएटेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स, और 67 के टाइम पे भारत में ग्रॉन रिवॉल्यूशन आई नॉर्मनी वॉर्लॉक ने सुझावों पे, और MS स्वामीनाथन, जो इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मनी वॉर्लॉक को इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट था। इसके बाद 1967-68 में फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर्स को स्टार्ट किया गया, जिसको हम TFEC के नाम पे से जानते हैं। इसके बाद 1969 में सेकेंड इरीगेशन कमीशन आई, जो 1901 में पहली आई थी और 1969 में दूसरी आई। इसके बाद 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया, 1970 के टाइम पे, ठीक है। और इसके बाद अगर देखें मिनी कट प्रोग्राम MKP, तो MKP 1971 के टाइम पे आया। 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्रिप स्टार्ट हुआ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के ऊपर। 1971 में स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज AFDA स्टार्ट हुआ। 1971 में मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट MFAL जिसको हम बोलते हैं, उसकी प्रारंभ हुआ। 1973 में स्टार्ट हुआ अपना DAR, जैसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया। 1973 में
एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS का स्थान प्रारंभ हुआ और 1975 में ASRB एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड भी प्रारंभ कर दिया गया। 1 नवंबर 1973 को ASRB बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, इसमें जो कमेटी थी वो कौन सी थी, जी गडकर कमेटी की रिपोर्ट पर स्टार्ट किया गया। इसके बाद जो 1973 था, इसमें पहले 1972 इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1972 में जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ। 73 में स्टार्टेड मिनी किट ट्रायल्स प्रोग्राम। इसके बाद 73-74 में ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, जिसे हम DPAP के तौर पर जानते हैं, उसका प्रारंभ हुआ। 74 में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम्स, जिसे हम T&V प्रोग्राम बोलते हैं, डेनियल बिनोर और वैक्स्टर जो कि इसराइल से आए थे उनके द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टेड इन द कैनल एरियाज ऑफ राजस्थान एंड चंबल कमांड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों और जो मध्य प्रदेश का चंबल कमांड एरिया वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 1974 में कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CAD की स्थापना की गई। 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP का प्रारंभ किया गया। 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र KVK, जिसको हम बोलते हैं, मोहन सिंह मेहता की जो एक कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस पर पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में जिस खोला गया, जिसे हम फार्म साइंस सेंटर के नाम पर पहले जानते थे और उसको फिर कृषि विज्ञान केंद्र कर दिया गया। तो ये सबसे पहले तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कहाँ पर खुला था, पौंडीचेरी में खुला था। इसके बाद 1975 में 20-point प्रोग्राम इंदिरा गांधी की सहायता से वो स्टार्ट किए गए। इसके बाद 1976 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे हम NREP बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। 1976 में अंत्योदय जो योजना थी उसको स्टार्ट किया गया। 1976 में नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जिसे हम NAN बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई और ये हैदराबाद में है। इसके बाद 1976 में अशोक मेहता कमेटी ने 2-tier सिस्टम पंचायत राज को प्रपोज किया। इसके बाद 1977 और 78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP स्टार्ट हुआ। अब बात आती है 1978 के टाइम की, तो इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स IRDP लॉन्च किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट इंडिया बाय 1980s, इट इज़ नाउन एज अ पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको गरीबी मुक्तिकरण अभियान भी कहा गया। ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी कहा गया। और इसके बाद 1979 में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट TRYSEM प्रारंभ किया गया। 1979 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसे हम बोलते हैं NARP। और 1 जून 1979 को लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जो कि ICR की गोल्डन जुबली पे स्टार्ट किया गया था। गोल्डन जुबली मतलब कि 50 साल जब उसके ICR के पूरे हो गए थे स्थापना के। 1929 में ICR इस्टेब्लिश हुआ था, 1929 से लेकर 1969 तक 50 साल हो रहे थे, तो इस टाइम पे उन्होंने लैब टू लैंड प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। इसके बाद 1980s के टाइम पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जिसे हम बोलते हैं NREP। 1982 में डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन द रूरल एरियाज DWCR स्टार्ट किया गया। 1982 में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजीज CAPART प्रारंभ किया गया। 12 जुलाई 1982 को NABARD की स्थापना की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाद 1983 में नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आया, जिसे हम बोलते हैं NAEP। देन इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, इसके बाद 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसे हम बोलते हैं RLEGP। तो इसमें रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। इससे पिछली बार जो अपना पेपर था उसमें JRF का पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दे रखा था उसमें RLEGP, तो इसमें बस लैंडलेस नहीं था, तो उसमें पूछा था कि जो L का फुल फॉर्म क्या होगा, तो L का मतलब फुल फॉर्म था उसमें लैंडलेस। तो आपको इनको सब फॉर्म्स को सबसे अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस थोड़ा वो आपको इस तरह से दे देगा कि उसका शॉर्ट फॉर्म दे देगा, फुल फॉर्म वो आपसे पूछ लेगा। तो ठीक है, और सन तो आपको याद रखना ही रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ रहा है सन पे तो आपको एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट याद है, तभी आप उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हम CIS बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया, जिसको आप नाम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स के तौर पर हम जानते हैं। 1986 में टेक्नोलॉजी मिशंस ऑन ऑयल सीड स्टार्ट हुआ, TMO। 1986 में नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज NWDPRA स्टार्ट हुआ। 1986 में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट फेज सेकेंड स्टार्ट की गई। 1988 में ही स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम SPSFPP स्टार्ट किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना
फॉर्म्ड आफ्टर द मर्ज ऑफ NREP एंड RLEGP को जब इनको मर्ज करके कौन सी जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई 1989 में, और 1989 में इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 1994 में महिला समृद्धि योजना प्रारंभ की गई और 1995 में ICR इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पिछली बार पूछा जा चुका है कि इसमें कौन सा है, इंडियन है, इंस्टीट्यूशनल है। तो ये आई का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, जो हमारा फिजिकल साइंस का जो वो एक्सटेंशन वाला जो पेपर था उसमें, ठीक है। तो ICR का इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम उसका फुल फॉर्म होता है IVLP का, और इसकी प्रारंभ कब किया गया था, 1995 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद 1996 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली, ये 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो प्लांट साइंस के JRF के प्रीवियस ईयर पेपर में आया था 2020 के में, उसमें पूछा था कि नेशनल जीन बैंक कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है, और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1996 में। 1998 में ICR नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, जिसे हम NETP बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद 1998 में कृषि क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट हुई, जिसे हमको क्या बोलते हैं, KCC बोलते हैं। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट हुई, JGSY। इसके बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY भी हम बोलते हैं। इसमें IRDP, TRISEM, DWACRA, SITRA, GKY एंड MWS को मर्ज करके स्टार्ट किया गया इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसको नाम चेंज कर दिया गया, इट इज़ अ रीनेम्ड एज अ नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशंस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि NRLM का भी फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशंस। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1999 और 2000 के टाइम पे इंदिरा आवास योजना IAY के प्रारंभ हुआ। रवि 99 के टाइम पे, 99 के टाइम पे नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS प्रारंभ किया गया। दिसंबर 2000 के टाइम पे अंत्योदय अन्न योजना AAY प्रारंभ किया गया। दिसंबर 2000 के टाइम पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो सभी गांव हैं उनको शहरी क्षेत्रों से जोड़ना और उनको सड़क अच्छे से प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। इसके बाद 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY प्रारंभ किया गया। अप्रैल 2004 को द फोर अर्थवेल स्कीम्स ऑफ OPP, OPDP, NPDP एंड AMDP हैव बीन मर्ज इनटू द वन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑफ ऑयल सीड पल्सेज, ऑयल प्लम्स एंड मेज, ISOPOM के नाम से हम जिसको जानते हैं, बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 1 अप्रैल 2004, और ठीक है इसको, एंड लेटर 2014-15 में इसको मर्ज कर दिया गया। ISOPOM मर्ज इनटू द न्यू स्कीम नेशनल मिशन ऑन द ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम्प, जिसे हम NMOOP के तौर पे जानते हैं। उसको जो ISOPOM थी उसको भी 2014-15 के टाइम पे NMOOP में मर्ज कर दिया गया। इसके बाद अगर हम देखें 2004 में नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया, NFWP। 2004 में इनाग्रेशंस किया गया, इनाग्रेशंस ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स NASC एट न्यू दिल्ली। 2004 में मराइन फिशिंग पॉलिसीज स्टार्ट किया गया। 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कंस्टिट्यूटेड ऑन द नवंबर 18, 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। तो 2004 था उसमें नेशनल कमीशन फार्मर्स को इस्टेब्लिश किया गया, कब, MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में 2004 में, ठीक है। इसी के कारण जो 2007 में फिर फार्मर पॉलिसी आई थी। इसके बाद 2005 में स्टार्टेड नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशंस, और 2005-06 में भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर द क्रिएटिंग एंड ऑगमेंटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन इरीगेशन रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनास, हाउसिंग, इंदिरा आवास योजनास, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो ये भारत निर्माण 2005-06 में, ठीक है। इसके बाद 6 और 7 में नेशनल बैम्बू मिशन। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बैम्बू डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो बैम्बू डे हम 18 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद 2006 में ICR लॉन्च नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम NAIP के तौर पर जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था। 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे हम क्या बोलते हैं, MGNREGs
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से स्टार्ट की गई। इसके बाद 2006 में नेशनल रेनफेड एग्रीकल्चर अथॉरिटी RANRAA स्टार्ट किया गया 2006 में। 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये स्टार्ट किया गया NFSM को। 2007 में ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टार्ट किया गया जिसका पीरियड 10 साल का था, 2007 से लेकर 2017 तक। बट इसको 2017 में इसके जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हुए, तो इसके कारण इसको 3 साल तक और एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 तक, जिसको कर दिया गया था रफ्तार के नाम से, ठीक है। इसके बाद 2014 में NHM मर्ज्ड इनटू ए न्यू प्रोग्राम मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो जो अपना NHM था उसको मर्ज कर दिया गया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, MIDH में। इसके बाद कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है ICAR से रिलेटेड, तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसके बारे में। तो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर RCA की स्थापना वो बनाई गई, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लिंडिथिको थे। उनकी ही जिन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की 1928 के टाइम पे इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की इसकी 16 जुलाई 1929 को क्या ICAR का, फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और इसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे बनाया गया कब, 1929 में, जो कि रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 था उसके रिकमेंडेशंस पे। इसके बाद 1946 में जोगेंद्र सिंह की प्रेसिडेंटशिप में जो इसका नाम था उसको चेंज कर दिया गया इंपीरियल से इंडियन में, और इसको जब से जाने लगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के तौर पर। इसके बाद इससे कुछ और जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो 1965 में जो ICAR के फर्स्ट DG डॉक्टर बीपाल हुए, ही इनिशिएटेड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, इन्होंने ACRIPS को इनिशिएटेड किया। 1966 में ICAR वाज मेड ए फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम्स, जो एग्रीकल्चर रिव्यू टीम आई थी उसने रिकमेंड किया कि ICAR को हम एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो उसकी रिकमेंडेशन पर 1966 में ICAR को एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, स्वायत्त संस्था बनाया गया। इसके बाद जून 1972 में गजेंद्र गटकर कमेटी ने का रिव्यू दिया कि रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR एंड इट्स इंस्टीट्यूट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स इन 1973। 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE प्रारंभ हुआ, वेयर क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर में। और 1973 में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज ARS स्टार्ट हुई। 1973 में द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड SRB वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द नवंबर 1973 एज एन इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन द प्रेजेंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ गजेंद्र गटकर कमेटी। तो ASRV क्या करती है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनके रिक्रूटमेंट से संबंधित है और उनके एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट यही करवाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ ICAR जो कृषि मंत्री होंगे अपने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उनको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन से, वो होते हैं अपने राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य कृषि मंत्री। और इसके बाद जो DG होते हैं वो डायरेक्टर जनरल, जो इस टाइम पे त्रिलोचन महापात्रा जी हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ DR डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, सॉरी, जो DARE उसके सेक्रेटरी भी DG ही होते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR कौन से थे, सर खान मोहम्मद हबीबुल्ला थे। और 19 इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IRI उसके बारे में कुछ। तो IRI की स्थापना कब हुई, 1905 में हुई। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड द पूषा विहार अंडर द वाइसरॉयलिटी ऑफ लॉर्ड कर्जन्स, लॉर्ड कर्जन्स की वाइसराय थे उस टाइम पर। एंड ईयरलियर इट वाज इन अ बेस्ट बंगाल, सबसे बेस्ट बंगाल में था। हेल्प ऑफ सम ऑफ द ₹9 लाख वाज डोनेटेड बाय एन अमेरिकन फिलिप ऑफ USA। तो जो एक अमेरिकन फिलिप्स थे उन्होंने इसमें करीब 9 लाख रुपये का डोनेशन दिया था, उसकी मदद से ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, पूसा के नाम से जानते हैं। तो जो P आता है वो फिलिप्स से आता है, और जो USA उनका स्टेट देश था तो उससे हम इसको USA बोल देते हैं। तो अपना जो अभी बोलते हैं जैसे पूसा, तो ये पूसा उन्हीं के नाम पे इसको बोला जाता है, क्योंकि उन्हीं के डोनेशन पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1911 में रीनेम्ड एज ए इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1923 में इंस्टीट्यूट स्टार्टेड ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट शिप
जो अपना फर्स्ट 1905 में बना था एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका 1911 में नाम चेंज कर दिया है, तो इसको क्या कर दिया है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1923 में इसमें एक डिप्लोमा स्टार्ट किया गया एसोसिएटशिप का, और 1934 में मेजर अर्थक्वेक आया एंड फ्लड डैमेज हुई बिल्डिंग्स, जिससे बिहार में डैमेज हो गई इसकी बिल्डिंग्स। 36 में इसको शिफ्ट कर दिया गया पूसा रोड नई दिल्ली पे। 1936 में वी विश्वनाथ पहले इंडियन डायरेक्टर बने आईसीआर के, जो आईआरआई था उसका। इसके बाद 1946 में द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप वाज रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट टू एमएससी डिग्रीज, और जो डिप्लोमा दिया जा रहा था 1923 से आईआरआई में, उसको अब 1946 से एमएससी की डिग्री के बराबर मान्यता मिल गई। और 1947 में नेम हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम द इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 1947 में इसके नाम को चेंज कर दिया गया, इंपीरियल से इसका नाम चेंज करके इंडियन कर दिया गया। 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, यूजीसी जो एक्ट है 1956 उसके अंतर्गत।